ये भाई यहाँ पे पिज्ज़ा खा रहे हैं यार, शर्माना नहीं है। ठीक है, तो इनसे थोड़ा रिव्यू लेते हैं। भाई ये कौन सा फ्लेवर है? अच्छा ये नहीं भाई, ऑर्डर नहीं करें, नहीं एक ऑर्डर हमें नहीं पता। टिक्का फ्लेवर, टिक्का फ्लेवर सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुफियान जावेद और वेलकम करता हूं आपको आज की नई वीडियो में। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूं खानपुर में कचहरी रोड के ऊपर, और यहां पे एक भाई ने जो है वो फूड पॉइंट शुरू किया है, लाइव पिज़्ज़ा बनाते हैं। ठीक है, तो आज मैं इनकी कवरेज करूंगा और दिखाऊंगा कि इतने इन्होंने जो मुनासिब रेट रखे हुए हैं इसमें ये कैसा पिज़्ज़ा जो है वो डिलीवर करते हैं। ये मौजूद है यहाँ पर, ये देखें बैंक अलबरका के सामने है, यहाँ कचहरी के साथ। तो यहाँ पे आप देखेंगे इनके जो रेट हैं वो, मतलब ये स्मॉल पिज़्ज़ा जो है वो 300 में दे रहे हैं, मीडियम पिज़्ज़ा 500 में, और लार्ज पिज़्ज़ा जो है वो 700 में। तो इतने कम रेट में ये इनका मतलब टेस्ट कैसा होगा ये हम आप जो आपको आज दिखाएंगे। अभी इन्होंने काम शुरू नहीं किया हुआ, सिर्फ इनिशियल तैयारी वगैरह कर रहे हैं। ये इनका जो ओवन है, ठीक है, मोबाइल फूड पॉइंट है इसमें, और अभी पे यहाँ पर डो वगैरह बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे सिटिंग वाला ऑप्शन नहीं है मेरे ख्याल में, सिर्फ जो है वो टेक अवे है। तो जैसे ये बनाएंगे फिर आज हम आपको दिखाएंगे कितने हाइजीनिक तरीके से पिज़्ज़ा बनाया जाता है और फिर इसका जायका कैसा। भाई जान ये घर से बना के लाते हो आप? ये डो घर से बना के लाते हो? ये लार्ज पिज़्ज़े में कितने इस्तेमाल करते हो? 450। ये ऑलिव्स और ये क्या साथ दिखाएं तो सही, ये ग्रेन है और ये क्या चीज़, मोज़रेला चीज़? ये है मशरूम। मशरूम इस तरह के यार? अच्छा अच्छा, काटे हुए ना? काटे हुए। चीज़ किधर है? चीज़ चीज़ अभी बना रहे हैं ये। अच्छा, यहाँ पे बनाते हैं खुद? वाह जी वाह। अच्छा, इसको ग्रेट करेंगे ना? ग्रेटिंग करेंगे। जो पिज़्ज़ा मेकिंग शुरू हो गई है। ये भाई जान ये पिज़्ज़ा सॉस लगा रहे हैं पहले? जी भाई। ये ऊपर चिकन आ गया। ये कौन सा फ्लेवर है? चिकन टिक्का फ्लेवर। ये चीज आ गई ऊपर। ये रेडी हो गया, अब ये ओवन में जाएगा। अच्छा, अभी लार्ज में ये फजीता लग रहा है। ये फजीता है ना लार्ज? हाँ, कंजूसी नहीं करनी सर जी। चीज को आपने सही से वो डाल देना सारा ऊपर ना, एक ही जगह ना हो। ये फाइनल हो गया जी एक। अभी ये मीडियम में टिक्का है ना, मीडियम सुप्रीम, तो ये मीडियम सुप्रीम जो फ्लेवर जो है वो लगेगा। ये वाइट सॉस एक नंबर है, कोई एक नंबर। तो जी दोनों पिज़्ज़े शिफ्ट हो गए हैं, ये 10 मिनट बाद जो इन दोनों को निकालेंगे। तो जी एक हमारा जो पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम,
ये भाई यहाँ पे पिज्ज़ा खा रहे हैं यार, शर्माना नहीं है। ठीक है, तो इनसे थोड़ा रिव्यू लेते हैं। भाई ये कौन सा फ्लेवर है? अच्छा ये नहीं भाई, ऑर्डर नहीं करें, नहीं एक ऑर्डर हमें नहीं पता। टिक्का फ्लेवर, टिक्का फ्लेवर। अच्छा ये आपका कौन सा फ्लेवर है? एक ही है टिक्का। ये पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं? जी हम पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं। तो आप ये बताएंगे कैसा है जायका, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा ट्राई कर रहा हूँ। नहीं बहुत मज़े का जायका माशाल्लाह, ऑनेस्ट रिव्यू दे, ऑनेस्ट। भाई इनका तो रिव्यू बड़ा पॉजिटिव है कह रहे हैं, और बाकी यहाँ सिटिंग का इंतजाम नहीं है, देखिए बाइक पे बैठे खा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा मोस्टली यहाँ टेक अवे है, तो हमारा पिज़्ज़ा भी तैयार हो गया, अब यहाँ पे अभी देखते हैं इसको, टेस्ट भी करेंगे। ठीक है ठीक है, घी लगा रहे हैं, खुशबू आ जाती है ना। अच्छा अच्छा ओपा जी। लो जी ये इसको पैक कर देंगे, ये ऊपर मेयोनीज डाल लूँ। अच्छा मैं आप खुद खा के जो है इसका रिव्यू करता हूँ। ये है जी लार्ज फजीता फ्लेवर, ये इसकी लुक देखिए, पहले देखने में तो ज़बरदस्त लग रहा है। जायका भी अच्छा है यार, ज़बरदस्त। ये था हमारा मीडियम सुप्रीम फ्लेवर। इसकी लुक देखें, देखते हैं इसका और इसका टेस्ट में क्या डिफरेंस है। ये उससे अच्छा भाई सुप्रीम फजीता से, भाई जायके से के हिसाब से तो ठीक है। मैंने मतलब दोनों चेक किए, तो अभी आप भी मतलब जो भी खानपुर में रहते हो इसको आप ज़रूर एक दफ़ा चेक करें। चल ठीक है, आज की वीडियो यहाँ तक की, और मज़ीद ऐसी वीडियोस देने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। ओके अल्लाह।